नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। वायलेंट फादर, बचपन में खेल और पढ़ाई की जगह फादर के बिजनेस में काम, पढ़ाई के लिए समय न होने का कारण टीचर से डांट, ब्लैक अमेरिकन होने की वजह से दोस्तों का बली करना, पैसे की भारी मात्रा में कमी, यंग एज में भारी मोटापे की समस्या, चूहे पकड़ने की नौकरी और उसके साथ एक लंबे समय तक कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं, ये शुरुआती हालात थे डेविड गोगिंस के, डिप्रेस्ड, ओवरवेट और डायरेक्शनलेस। लेकिन ये सब चैलेंजेस ओवरकम करके वो बने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील के मेंबर और दुनिया के सबसे टफेस्ट इंसान। अब ये इतना ड्रामेटिक चेंज उनके जीवन में कैसे आया, इसके लिए तो डेविड गोगिंस के शुरुआती जीवन से उनके नेवी सील के मेंबर बनने और मैराथन और अल्ट्रा मैराथन भागने की कहानी आपको जाननी होगी, जो उनके बायोग्राफिकल किताब से हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की हुई है। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखें। आज के वीडियो में जानेंगे वो 10 चैलेंजेस जो डेविड गोगिंस अपनी किताब में बताते हैं, जिन चैलेंजेस को आप और हम अगर ओवरकम कर ले तो आप और हम भी डेविड गोगिंस की तरह जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो चाहते हैं। दोस्तों, इस किताब के अलावा भी हमने बहुत सी और बेहतरीन किताबों से बेहतरीन कहानियां और आइडियाज हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो जो मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स का कहना है कि स्टोरी राइट्स चैनल यूट्यूब का बेस्ट बिजनेस, ब्रांड्स और सक्सेसफुल लोगों की कहानियों का चैनल है। आइए अब बिना विलंब किए जानते हैं डेविड गोगिंस के 10 चैलेंजेस हमारे कहानियों के चैनल स्टोरी राइट्स पे। चैलेंज नंबर 1, टेक इन्वेंटरी ऑफ योर पास्ट एंड प्रेजेंट। सबसे पहला चैलेंज जो डेविड गोगिंस अपने रीडर्स को देते हैं वो है अपने पास्ट और प्रेजेंट प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाना, जो आपको चैलेंज कर सकता है अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए। वायलेंट फादर, नो मनी, ओवरवेट होना, डिप्रेशन, डायरेक्शनलेस होना, ये और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स थी डेविड की लिस्ट में, जिसने उन्हें चैलेंज किया अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए। सिमिलर लिस्ट वो अपने रीडर्स को बनाने के लिए कहते हैं अपने पास्ट और प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस की, जो हमें चैलेंज कर सकती है हमारे गोल्स तक पहुंचने के लिए। एक बार आपने इन सब पास्ट और प्रेजेंट सर्कमस्टांस की इन्वेंटरी ले ली और उसे कहीं डायरी में, मोबाइल में, नोट्स एप्लीकेशन में क्लियरली लिख लिया, तो आपने डेविड गोगिंस का पहला चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अब आप रेडी हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। चैलेंज नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गोगिंस बताते हैं कि कैसे एक दिन जब वो अपने बाथरूम के शीशे के सामने खड़े थे तो उन्होंने सोचा कि जो उनके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं, डिप्रेशन, ओवरवेट, उसके साथ वो अपने अल्टीमेट गोल जिसमें वो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे वो नहीं कर सकते। उन्हें अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को चेंज करना होगा। ये वो तभी कर सकते हैं जब वो अपने गोल्स के प्रति अकाउंटेबल होंगे हर दिन। तो उन्होंने अपने मेन गोल तक पहुंचने के लिए मिनी गोल्स बनाए और उसे पोस्टिट नोट्स पर लिखकर अपने शीशे पर चिपका दिया। वो अपने रीडर्स को कहते हैं कि आपका जो भी गोल है, वेट लूज करना, हाफ मैराथन दौड़ना, यूट्यूब चैनल शुरू करना या फिर जॉब के साथ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, अपने मेन गोल तक पहुंचने के लिए एक मिनी गोल सेट करो और उसे पोस्टिट नोट पे लिखकर अपने शीशे पे चिपका दो, जहां उसे आप रोज देख सकते हो। अब अपने उस मिनी गोल की तरफ अकाउंटेबल रहो और उसे अचीव करने के लिए पूरी जान लगा दो। जब तक वो हो ना जाए, वो पोस्टिट नोट वहाँ पे लगे रहने दो और उसे हर रोज देखो, और जब वो पूरा हो जाए तो उस पोस्टिट नोट को हटा दो और दूसरे मिनी गोल का पोस्टिट नोट लगा दो। जब आप अपने गोल की तरफ अकाउंटेबल होना सीख जाओगे तो वो समय जल्दी आ जाएगा जब आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। ये है डेविड गोगिंस का अपने रीडर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी मिरर चैलेंज। चैलेंज नंबर 3, डिसकंफर्ट जोन। डेविड गोगिंस अपने रीडर्स को चैलेंज करते हैं अपना कंफर्ट जोन छोड़कर डिसकंफर्ट जोन में जाने का, हर रोज वो कुछ काम या एक्टिविटी करने का जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाता है पर आपका गोल अचीव करने के लिए जरूरी है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आप सालों से करना चाहते हैं पर शुरू नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि जितना आप अपना कंफर्ट जोन छोड़कर डिसकंफर्ट जोन में जाओगे, उतना आप अपने आप को स्ट्रांग बना पाओगे। चैलेंज नंबर 4, शो एक्सीलेंस इन व्हाटएवर यू डू। चौथा चैलेंज जो डेविड गोगिंस अपने रीडर्स को देते हैं वो है टू अचीव एक्सीलेंस। वो एग्जांपल देते हैं कि अगर आप जॉब में हैं और अपने बॉस की नेगेटिविटी से परेशान हैं, तो बॉस की क्रिबिंग ना करें, उससे पहले ऑफिस में आओ और उसके बाद ऑफिस से जाओ। क्लाइंट के साथ काम इतने अच्छे से करो कि वो बॉस से पहले आपको कॉल करे। बॉस की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा उसको काम करके दिखाओ। इतना काम कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके बॉस का काम भी आपके सुपर सीनियर्स को कम लगने लगे। डेविड गोगिंस का कहना है कि दिखा दो उन लोगों को जिनसे आपका लेना देना है कि आप कितने अमेजिंग हैं, और वो कर सकते हैं जो शायद उन्होंने सोचा भी ना हो, और ये तभी हो सकता है जब आप जो कर रहे हो उसमें एक्सीलेंस अचीव कर लो। चैलेंज नंबर 5, विजुअलाइज। अगला चैलेंज डेविड गोगिंस देते हैं विजुअलाइजेशन का। वो कहते हैं कि इंसान के दिमाग में हर घंटे करीबन 2000 से 4000 थॉट्स आती हैं। हमें सब
बुलशिट थॉट्स को छोड़कर विजुलाइज करना चाहिए, अपने आप को अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करते हुए देखना चाहिए। मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग आपका अल्टीमेट गोल है अपनी स्कूल टाइम की गर्लफ्रेंड से शादी करना, तो विजुलाइज कीजिए कि आपकी शादी हो गई है और आप अपनी शादी के फंक्शन पर फोटोग्राफ क्लिक करवा रहे हैं। अब दोस्तों, डेविड गॉगिंस कहते हैं कि सिर्फ विजुलाइज करने से गोल अचीव नहीं हो जाते, आपको अपने गोल को अचीव करने के विजुलाइजेशन के साथ साथ उस तक पहुंचने के लिए कौन कौन से चैलेंज आएंगे उसको भी विजुलाइज करना है। अब हो सकता है कि आपकी जॉब में प्रमोशन, जो कि आपको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन और ज्यादा पैकेज दिलवा सकती हो, उससे आप अपना गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं। बट आपको ये भी विजुलाइज करना पड़ेगा कि कैसे आप कम समय में वो प्रमोशन ले सकते हैं, क्या चैलेंजेस आएंगे और आप उन्हें कैसे ओवरकम करेंगे। तो विजुलाइज कीजिए अपने गोल के अचीवमेंट को और उस गोल को अचीव करने में आने वाले चैलेंजेस को। डेविड गॉगिंस की माने तो ये टेक्निक 100% काम करती है आपके गोल अचीवमेंट के लिए। चैलेंज नंबर 6, टेक इन्वेंट्री ऑफ योर कुकी जार। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हर इंसान के पास एक कुकी जार होता है जिसमें बहुत सारी कुकीज होती हैं, और ये कुकीज सिंबलाइज करती हैं आपकी पास छोटी और बड़ी विक्ट्रीज को। हर इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल फेस किए होते हैं और उन्हें ओवरकम किया होता है। किसी ने स्मोकिंग क्विट करके, किसी ने अल्कोहल क्विट करके, किसी ने कोई टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके, किसी ने कॉलेज में बहुत अच्छे ग्रेड्स लेकर। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जब आपको आपके एग्जिस्टिंग गोल्स को अचीव करते समय प्रॉब्लम आए, ऑब्स्टेकल्स आए, तो आपको अपनी इस कुकी जार की इन्वेंटरी लेनी चाहिए, याद करनी चाहिए वो छोटी बड़ी अचीवमेंट जो आपने कुछ ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके अचीव की थी। ये कुकी जार कॉन्सेप्ट आपको हिम्मत देगा लगातार अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए। चैलेंज नंबर 7, द 40% रूल। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग किसी भी गोल और ड्रीम को पाने का सपना मात्र 40% एफर्ट करके ही छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हम अपना 100% दे चुके हैं और अब ये गोल पाना हमारे बस की नहीं है, पर एक्चुअल में हमने 40% ही एफर्ट दिया होता है। अभी 60% और एफर्ट हम डाल सकते हैं उस गोल या ड्रीम को अचीव करने के लिए। और डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अगर हम ये एडिशनल 60% एफर्ट डाल दें तो हम अपना सेट गोल जरूर अचीव कर लेंगे। इसे डेविड गॉगिंस कहते हैं द 40% रूल, और चैलेंज करते हैं अपने रीडर्स को कि सेट किए हुए गोल को अचीव करने के लिए इस रूल का इस्तेमाल जरूर कीजिए। चैलेंज नंबर 8, शेड्यूल योर डे। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने दिन के 24 घंटों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करें, और इसके लिए वो कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस अपने रीडर्स को देते हैं। पहला, एक वीक अपना डेली शेड्यूल ऑब्जर्व करना, ये पता लगाने के लिए कि ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। अगर आप कोई सेट शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे तो बहुत चांसेस है कि करीबन 4-5 घंटे वेस्ट हो रहे होंगे जो आपके गोल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। दूसरे वीक में वो कहते हैं अपने दिन को 30 मिनट्स ईच के ब्लॉक में बांटने के लिए और एडवांस में डिसाइड करने के लिए कि उन ब्लॉक में आप क्या काम करेंगे, और जो आपने डिसाइड किया है उस समय वही काम करना 100% फोकस के साथ, कोई नेटफ्लिक्स नहीं ना कोई सोशल मीडिया। दूसरे वीक पूरे फोकस से काम करोगे तो बाय थर्ड वीक आपका एक डेफिनेट शेड्यूल होगा जो आपको काफी हेल्प करेगा अपने गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए। चैलेंज नंबर 9, डोंट स्टॉप। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हमें अपना गोल अचीव करके रुकना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करके और एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए अगले गोल को अचीव करने के लिए। तो अगर आपका गोल किसी बहुत बड़े बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने का था और आपका एडमिशन हो गया, तो अब आपका नया गोल होना चाहिए उस बिजनेस स्कूल में टॉप करने का। अगर आपका गोल जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करना था और आपने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया, तो अब आपका नया गोल होना चाहिए उस नए बिजनेस में एक्सीलेंस पाने का, उसमें नंबर एक पोजीशन पे आने का। चैलेंज नंबर 10, एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि आपको अपने फेलियर्स को एम्पावर करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और पहले बताए हुए सभी चैलेंजेस का इस्तेमाल करते हुए तब तक एफर्ट्स करते रहना चाहिए जब तक आप फेलियर्स को पीछे छोड़कर अपने गोल को अचीव ना कर लो। तो दोस्तों, ये थे 10 चैलेंज जो डेविड गॉगिंस अपनी बुक कांट हर्ट मी में बताते हैं। उनकी शुरुआत से दुनिया का टफेस्ट इंसान और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का चमकता सितारा बनने की जर्नी को जानने के लिए ये बुक जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और किताबों के नाम जिनके समरी वीडियो आप स्टोरीराइट चैनल पे देखना चाहते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सबसे बड़ी बात, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए स्टोरीराइट चैनल के फेसबुक पेज को लाइक और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।